तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 11 महीने में बीजेपी को कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन से वो राज्य हैं जहां बीजेपी ने अपनी सत्ता गंवा दी है। इससे पहले बीजेपी की उन राज्यों में कई वर्षों से सत्ता थी, लेकिन बीजेपी ने इन 11 महीनों में कौन कौन से वो बड़े राज्य हैं जहां बीजेपी ने अपनी सत्ता गंवा दी है। तो मार्च 2018 से नवंबर 2019 तक पूरे भारत के अंदर बीजेपी को जमकर नुकसान हुआ है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी का जो यहाँ पर रंग है, ऑरेंज कलर का जो रंग है, वो बीजेपी शासित राज्यों को दिखा रहा है कि वो कौन कौन से राज्य मार्च 2018 तक थे। आप देख सकते हैं भारत में मात्र कुछ 72% जो हिस्सा है वो ऑरेंज कलर में समाहित हो चुका था, लेकिन नवंबर 2019 तक ये रंग काफी कम हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। एनडीए का साल 2017 में 72% आबादी तक शासन था 2017 में, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहाँ से सबसे बड़े यहाँ पर दल हैं। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी ने सत्ता गंवा दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव हुए हैं जहां बीजेपी ने सत्ता गंवा दी है। तो बीजेपी को नुकसान विधानसभा चुनाव में हो रहे हैं, ये बड़ी खबर यहां पर निकल कर सामने आ रही है। हालांकि मिजोरम, सिक्किम जैसे छोटे राज्य एनडीए के खाते में आए हैं और हरियाणा भी अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है जहाँ बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। इस तरह से अब 17 राज्यों में एनडीए सरकार, जिनमें से 13 राज्यों में भाजपा की अपनी सरकार है और 4 राज्यों में सहयोगी दलों की साथ सरकार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो हालात बेहद ही मुश्किल नजर आ रहे हैं बीजेपी के लिए। कई समय से यहां पर अरविंद केजरीवाल ने सत्ता पर काबिज, अरविंद केजरीवाल 2020 में होने वाले चुनाव के लिए कितने सक्षम है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में तो 7 की 7 सीट हासिल की, लेकिन विधानसभा में कितनी सीट हासिल कर पाएगी ये आने वाला समय ही बताएगा। देश के 40% से ज्यादा कॉपरेटिव ऑफिस महाराष्ट्र में ही है। चुनावी चंदे का, जी हाँ दोस्तों, चुनावी में जो चंदा किया जाता है वो महाराष्ट्र से ही सबसे ज्यादा निकल कर आता है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से ही आती हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन बीजेपी अब यहां से हार चुकी है, सत्ता में बाहर हो चुकी है। तो आने वाले चुनाव दिल्ली की बात करें तो फरवरी 2020 में है। इसके बाद बिहार की अगर बात करें, उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करें, तो इन राज्यों में किसकी बनेगी सरकार और किसको मिलेगी शिकस्त, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और एक नई लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।